चैनल कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कोसारेक्स के ये एडवांस स्नेल 92 ऑल इन वन क्रीम का रिव्यू। सो यस, इसको बेसिकली मैंने आई थिंक 4 से 5 महीने हो गए हैं परचेज करे हुए। सो दोनों का जो इसका स्नेल एसेंस आता है वो और ये दोनों साथ में बाय किए थे। सो उसको मैं पूरा यूज कर चुकी हूँ और उसका डेडिकेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल दिया है। सो अगर आप स्नेल पावर एसेंस का वीडियो देखना चाहते हो तो आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। अच्छे से लाइव रिजल्ट के साथ मैंने आपको शो किया था। एक बार जब मेरा स्नेल पावर एसेंस खत्म हो गया था उसके बाद मैंने इस पर्टिकुलर क्रीम को यूज करना स्टार्ट किया। अदरवाइज मैं दोनों को साथ में यूज करती ना, क्योंकि दोनों के अंदर जो भी जो मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज स्नेल का सिक्रेशन, वो एज इट इज है। मतलब उसमें भी 92 आई थिंक उसमें 96 है, याद नहीं आ रहा मुझे, मतलब दोनों में ही 92 या 96% कुछ है। तो दोनों को साथ में यूज करने से कोई भी मतलब नहीं था। सो उसको पहले मैंने यूज किया, एक महीने का ब्रेक लिया अपने स्किन पे एंड उसके बाद मैंने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट किया। और मैं इतनी ज्यादा पागल हूं कि मैंने इसको यूज करते करते सोचा भी नहीं कि मुझे आपको इसकी कंसिस्टेंसी या कुछ दिखाना होगा, मुझे इसका वीडियो बनाना होगा। मैंने इसको पूरा ही खत्म कर दिया। थोड़ा सा है तो कंसिस्टेंसी वगैरह मैं बता पाऊंगी आपको, बाकी इस पर्टिकुलर पूरे प्रोडक्ट को यूज करने के बाद ही मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूं। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ना इतना ज्यादा कॉस्टली है, 1500 समथिंग है, तो इसको आप मतलब 15-20 दिन यूज करके नहीं अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो। जब तक आपको आपके फेस पे ग्लो या जो भी व्हाइटनिंग इफेक्ट है या जो आपकी स्किन प्लम हाइड्रेट है वो नहीं दिखेगी तब तक आप बता नहीं पाओगे। सो पर्टिकुलर पूरे कंटेनर को खत्म किया है मैंने। सो यस, अभी मैं बताती हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा है। सो आई थिंक मैंने इसको यूज करना स्टार्ट किया था अप्रैल में और अब भी है अगस्त। सो ऑलमोस्ट मैंने इसको 3 से 4 महीने यूज किया था और नाइट टाइम में ही मैं इसको यूज करती थी। मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में मैं इसको नहीं यूज करती थी क्योंकि मुझे इसकी कंसिस्टेंसी ना थोड़ी सी ऐसे लाइक पुणे साइड में ना जून से ही बारिश आना स्टार्ट हो जाती तो ह्यूमिड वेदर हो जाता है। सो मुझे वो जब मैं जून में लगा रही थी ना तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, मतलब थोड़ा सा ना स्टिकी लग रहा था फेस पे, मैं कंफर्टेबल नहीं थी। तो मैं इसको नाइट टाइम में ही यूज कर रही थी। लाइक मेरा जो स्किन का टाइप है वो ऑयली है, एक्ने प्रॉन है। सो जब मुझे बहुत सारे एक्ने हुए थे, लाइक मई जून में मुझे बहुत एक्ने हुए थे, तब भी मैं इसको यूज कर रही थी, तब भी मेरी स्किन पे इसने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया था। सो ऐसी टेंशन नहीं है कि अगर आपके एक्ने है, एक्टिव एक्ने, तो आप इसको यूज कर सकते हो या नहीं। यस फॉर श्योर आप इसको ट्राई आउट कर सकते हो। बात करते हैं कि कौन से इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है। सो इसका जो मेन हीरो इंग्रेडिएंट है दैट वन इज स्नेल का म्यूशियन। बेसिकली स्नेल म्यूशियन होता क्या है, स्नेल को एक डार्क व्हाइट रूम में छोड़ दिया जाता है, वहां पे स्नेल जब अपना म्यूकस सीक्रेट करती है उस म्यूकस को कलेक्ट करके ही स्नेल म्यूशियन बनाया जाता है। यस, बेसिकली इसके अंदर 92% स्नेल सीक्रेशन फिल्ट्रेट है, मतलब उसको फिल्टर करके ही इस पर्टिकुलर कंटेनर में फिल किया गया है। एंड अदर इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करें तो इसके अंदर हाइलोलोरिक एसिड है, सेरेमाइड्स है, पेप्टाइड्स है एंड कॉपर पेप्टाइड्स है एंड एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स है। सो ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स है ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में, आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड सपल बनाने में, जो भी बैरियर आपकी स्किन का डैमेज हो गया है उसको रिपेयर करने के लिए काफी अच्छा काम करेंगे। सो बेसिकली जब भी आप इसको यूज करते हो आपको अदर से कोई भी हाइलोलोरिक एसिड या कोई भी मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट नॉर्मल ये क्रीम लगा लो, आपका जो भी लाइक एसेंस है, जो भी सैरम है, क्रीम है, उन सबका काम ये खुद करेगा। दैट्स कि ये बोल रहा है कि दिस इज ऑल इन वन क्रीम, मतलब अदर से आपको कोई भी कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, इतना अच्छा इसका फॉर्मूला है। सो यस, बात करें मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। सो अभी आप देख सकते हो ये पूरा कंटेनर मैंने खत्म किया है एंड इसकी कंसिस्टेंसी अगर मैं आपको थोड़ी बहुत बता पाऊं तो ये नॉर्मली इस तरह की ना जेली टाइप की है। लुक एट दिस, मतलब इस तरह की है, आपको यहां से फील होगा ये। तो जब अपने फेस पे आप लगाओगे ना तो ये बहुत जल्दी से स्प्रेड होता है, बिल्कुल भी चिपचिपापन वगैरह नहीं लगता है। एंड लुक एट दिस, मतलब लगाते ही स्किन ऐसे ग्लो करती है, मतलब चमकती, एकदम जो ग्लास स्किन वाली टोन होती है ना वैसी मिलती है। सो अगर आप मेकअप से पहले इसको लगाओगे ना उसके बाद तो यार आपका फेस पे क्या अलग से एकदम से ग्लो आता है। लुक एट दिस, मतलब हाथ आप देख सकते हो, ये वाला मेरा हाथ देखो और ये वाला देखो कितना सही ग्लो कर रहा है। सो यस, बिल्कुल भी चिपचिपापन ही ऐसा नहीं लगता है और बहुत अच्छे से हाइड्रेट लगती है आपकी स्किन। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से यूज किया है, 3 to 4 months मेरा ये कंटेनर चला है। एंड जब से मैं इसको यूज कर रही हूँ ना स्किन बहुत ज्यादा हेल्दी एंड ग्लोई लग रही है। इनफैक्ट मेरी स्किन पे बहुत ज्यादा एक्ने भी थे, बिल्कुल भी ऐसे नहीं फील हुआ मुझे कि एक्ने ने और ज्यादा रिएक्ट किया है। इनफैक्ट जो भी इन्फ्लामेशन वाले एक्ने होते हैं, रेड वाले, लाइक उनको बहुत अच्छे से काम किया है इसने। सो यस, अगर आपके एक्टिव एक्ने हैं तो भी आप इसको फॉर श्योर यूज कर सकते हो। आई कैन से कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है इसको मैं फॉर श्योर परचेज करने वाली हूँ फिर से, मुझे इतना अच्छा लगा। सो लिंक मैं आपको नीचे इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जब मैंने पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट मंगाया था ना, मतलब कोसारेक्स के जो 3-4 प्रोडक्ट मैंने मंगाए थे तो मैंने उनकी वेबसाइट से ही मंगाया था, तब अमेजोन वगैरह पे अवेलेबल नहीं था। यस, अभी अमेजोन पे इंटरनेशनल ब्रांड्स भी लॉन्च हो गए हैं तो वहां पे भी आपको ये मिल जाएगा, थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिलेगा अमेजोन पे, बहुत ज्यादा तो नहीं, बट यस अगर 1500 समथिंग इसकी रेट है तो आपको ये 1400 में मिल जाएगा अमेजोन पे। सो या गाइस, दैट्स ऑल अबाउट माय एक्सपीरियंस। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी कोई डाउट है, कमेंट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो, फॉर श्योर मैं आपको रिप्लाई करूंगी। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगेन नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।